भोलू, ये दिन में अपने पेट के लिए जीता था, पर रात को अपने सपने के लिए। कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से आखिर उसका सपना साकार हो ही गया। मुझे में सबूत है, गवाह बयान, ये तो मर्डर है। ये नहीं बदलेगा, पर ये बदलेगा डोरेमोन फ्लिपकार्ट फ्लिप। यार इनके लिए ना तालियां होनी चाहिए कि सिर्फ एक फ्लिप कार्ड के लिए, वो छोटे से कार्ड के लिए इतनी लंबी मशहूरी बना दी, इतने लोग बुलवा लिए, इतना पैसा खर्च कर दिया सिर्फ एक फ्लिप कार्ड के लिए। यार ये ऐड के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, अच्छा या बुरा। नहीं यकीन आता तो नेक्स्ट ऐड देखो जरा। पावर कट्स जिंदगी की खुशियां ना छीन ले, इसीलिए वी गार्ड इन्वर्टर्स, डिजिटल यूपीएस और बैटरीज, फुल टाइम पावर, नॉन स्टॉप खुशी। अब देखा ना कितना खतरनाक ऐड बनाया है कि हमारा यूपीएस खरीद लो वरना। अब है चबल हो, कोई तालीमी लिहाज से पढ़ाई के लिहाज से ही बना लेते कि बच्चे का सुबह पेपर था, वो टॉपर था और पढ़ रहा था कि लाइट चली गई। लेकिन नहीं, हमें तो लोगों को डराना है। और वैसे यार ये बांदरों की तरह पुरक के बेड के डंडे के ऊपर कौन जंप लगाता है? गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। दिस इज द लास्ट विल ऑफ सेठ मोरारजी दास। आई मोरारजी दास ऑफ साउंड माइंड एंड बॉडी लीव ऑल माय प्रॉपर्टी मनी एंड ज्वेलरी टू कांता बाई। कंग्रेचुलेशंस कांता भाई। भाई साहब, शी डिजर्व्स। कोब्रा सो स्मूथ एंड नथिंग गोज डाउन वेल। आप बताओ अपना ये नींबू पानी पता नहीं क्या है, ये बेचने के लिए क्या क्या सोच लिया कि इन लोगों के बाप ने अपनी सारी दौलत नौकरानी के नाम कर दी। उसके बाद ये ऐड वाले कह रहे हैं कि ऐसी जब भी सूरत हाल बने तो हमारा पानी पियो, हो आप ठंडे पै जाओगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप सब कुछ भूल जाओगे। So smooth and nothing goes down well. इसका मतलब तुझे कैंसर हो जाए, तू टुंडा हो जाए, तेरा बाप मर जाए, तेरी नौकरी चली जाए, तू ये पानी पी और क्या है? कोई बात नहीं, मैं तो खुश हूँ, ये पानी पी के मेरी आंदरें ठंडी हैं, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो पानी पी रहा हूँ जो कुछ मर्जी हो इर्द गिर्द। अबे साले, एड बनाने से पहले सोच लिया करो कि ये क्या है, ये तो टट्टी है। लेकिन नहीं भाईजान, ये सोचते ही नहीं, अगर नहीं यकीन आता तो नेक्स्ट एड देख लो, अगर उसमें जरा सी भी कोई सोच की अकल की बात हुई तो मुझे बताना। आज सत्संग होगा वाणी पर। वाणी बाबा, बच्चे का नाम बाबा। बच्चे का नाम वाह, क्या नाम है बाबा? हो गया हो गया, जाओ रस्तोगी। Yes, miss. इसका नाम होगा ग्लाइकोडिन। उत्तम नाम बाबा, क्या नाम दिया है? खांसी की छुट्टी। इस बाबे को छोड़ो, इसके चेले को लम्या पाओ। अब है तू जंगलों से आया, टार्जन का कजन है तू, जो तुझे इंसानों के नामों का ही नहीं पता। क्या नाम है? वाह भाई वाह, और ये भी कितने समझदार है। नाम रख दिया, और अब ये बाबा शरबत का नाम रख रहा है तो उस पर भी ये खांसी के मुंह वाला चेला कह रहा है वाह उत्तम नाम, क्या नाम है? पह खांसी के शरबत के ऊपर दो पुश्तें गुजर गईं। वाह क्या बात है। नहीं अब बताओ मुझे कि इसमें कोई सेंस है? आप किसी से नाम रखवाने जाते हो कि भाईजान इस बच्चे का नाम रखो, तो वो कहे तो ये नाम है। हाँ जी ये नाम है। मतलब कि यार कोई गाल नहीं, कोई बात नहीं, कोई अकल नहीं, कुछ भी नहीं, कौन ऐसे करता है बताओ मुझे? कौन रखवाता है ऐसा नाम? और यार अब जो मैं आपको ऐड दिखाने जा रहा हूँ ना, अगर उसकी इतों से भी सेंस बनती हो ना तो मुझे यार प्लीज जरूर बताना। शौक लगा लगा लगा, शौक लगा, शौक लगा 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 लगा, शौक लगा,
शौक लगा 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 शौक लगा लगा शौक लगा 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 शौक लगा लगा क्यों मैम शॉक लगा फॉर टोटली शॉक प्रूफ लाइफ ट्रस्ट हैवल्स फास्ट ट्रिप आरसीसीबी एंड एमसीबी क्यों मैम शॉक लगा इस एड के मुताबिक ये मशहूरी वाले कह रहे हैं कि जिस घर में हमारे ब्रेकर नहीं ना होते उस घर में सारे लोग ऐसे होते हैं अबे यार इस घर में रहने वाले ये चारों के चारों पागल हैं खोते हैं जिनको अपने ही घर से हर रोज करंट का शौक लगता है और वो फिर भी हर रोज शौक लेते हैं किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला के अपने घर के स्विच ठीक नहीं करवाते उनको हर रोज करंट के झटके लेने का मजा आता है यार कुछ तो भाई कुछ तो अकल से काम ले लिया करो हैं कुछ थोड़ा सा ही ले लिया करो लेकिन नहीं इन्होंने कसम खाई हुई है कि हमने थोड़ा सा भी अकल से काम नहीं लेना अब नेक्स्ट एड ही देख लो ये मेरी इस बात का सबूत होगा घटने के टाइम क्या आप यहीं बैठी थी यस तो हुआ क्या था कर्टन के पीछे से उसने मुझे अटैक किया चोर के हाथ में चाकू और आपके हाथ में सिर्फ अंगूठी डिफेंड कैसे किया ऐसे कैसे बजाज का पंखा कर दे सबको हक्का बक्का पक्का यू मीन दिस फैन बजाज का ब्यूटीफुल पंखा कर दे सबको हक्का बक्का ये क्या है बकवास यार ही देखा मतलब कि इनके घर जो भी आता है वो हक्का बक्का होके जाता है और इनके घर में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे हक्के बक्के ही हैं क्योंकि इनके घर में हक्का बक्का करने वाला बजाज का पंखा लग गया है लाओ साहब बेटा दादाजी के पैर छू के जा पाए लगू पैर छू अरे हाथ से छू आशीर्वाद दूंगा जो झुक के छुओ बेटा परंपरा है नो थैंक्स देखिए कितनी बदतमीजी कर रहा है ये लड़का क्योंकि ये जानता है पैर छूना तो है बहाना बाप दादा चाहते थे झुकवा कर मेरी जस्ट जेली हथियाना एल्पिन लीबे जस्ट जेली का नया कच्चा आम फ्लेवर जिसमें है 25% फ्रूट पल्प हम आपको दिखाना चाहते थे कि कुछ भी दिखाया जा सकता है अबे ओ बुलुंगड़े है ये तेरा बाप है ये तेरे बाप का भी बाप है और तू कह रहा है कि ये दोनों 1 रुपए की टॉफी के लिए तेरे साथ साजिशें कर रहे हैं जी नहीं ये दोनों भीख पे गुजर बसर करते हैं मांगते हैं ये जो खुद अपनी कमाई से 1 रुपए की टॉफी भी नहीं ले सकते मतलब के यार कुछ भी पिंटू पिंटू का भाईचारा किसी जय वीरू से कम नहीं मां कसम सब कुछ शेयर करते हैं ये क्योंकि पर गांव वालों एक दिन पिंटू ने चखा टेस्टी ट्रीट का मजेदार टोमेटो केचप और भाई देना प्लीज कौन भाई किसका भाई चल भाई चीटर टेस्टी ट्रीट के चटपटे सॉसेस ये फिसली नहीं है अच्छा ये पैकेट इन लोगों के घर में एक ही है और ये क्यों मांग रहा है चखा तो तुमने है ये क्यों तरस रहा है फिर ये ऊपर चढ़ा कैसे है ये चढ़ सकता है तो ये क्यों नहीं चढ़ के जाके खो के चपेड़े करा के ले लेता चौथी बात इनके वालदैन किधर है इसकी माँ ने अपने दहेज में लाए हुए शोकस के ऊपर इस बुलुंगरे को चढ़ने कैसे दिया पांचवी बात ये कि अब तो ये कैचअप की वजह से लड़े हैं ना इनके दरमियान भाईचारा खत्म हो गया है इससे पहले ये कैचअप की जगह मिट्टी खाते थे हैं बताओ इससे पहले आज तक इन्होंने कभी केचप खाई नहीं यार एड बनाने से पहले पता नहीं ये क्या सोचते हैं अब आने वाला नेक्स्ट एड देख लेना जिसको समझने के लिए भी घंटा चाहिए और अगर दिमाग खपा खपू के समझ आ भी जाएगा तो फिर भी वो सेंसिबल नहीं होगा इंटरव्यू बस बॉस बायोडेटा मस्त है हाय डैडी जब समझाने में लगे टाइम गेट द मोस्ट किफायती टॉक टाइम अब लोकल एट 30 पैसे और एसटीडी एट 50 पैसे पर मिनट वर्जिन मोबाइल थिंक हटके अब बताओ क्या समझ आई है मुझे तो दीवार से सर मार मार के यही समझ आई है कि अब ये अपने बॉस को फोन करके कह रहा है कि बॉस मेरा कहने का वो मतलब नहीं था और ये एड वाले कह रहे हैं कि भाईजान ऐसी सिचुएशन में लंबी कॉल करनी पड़ती है इसलिए ऐसा नेटवर्क यूज करें जो अच्छा है यानी कि हमारा नेटवर्क यूज करें नहीं यार मतलब कि बस इन्होंने अपने एड के साथ रिलेट करना था कर दिया चाहे फिर उसकी सेंस बने या ना बने
अब यार ऐसा करते हैं, इस वीडियो को ना यहीं पे खत्म कर देते हैं और इस वीडियो का टारगेट रख देते हैं 30,000 लाइक्स। अगर पूरा हो गया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको वाकई पसंद आ गई है, और अगर लाइक्स का टारगेट बहुत जल्द पूरा हो गया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप नेक्स्ट पार्ट मांग रहे हैं, तो फिर इसका दूसरा पार्ट भी आ जाएगा। इसलिए लाइक करें और शेयर करें, मुझे भी पता चले ना कि भाई आप भी कुछ कर रहे हैं। खाली मैं ही नहीं दिमाग खपा रहा, आप भी 10-15 सेकंड लगा के वीडियो को ग्रुप्स में व्हाट्सएप इधर उधर शेयर करते हैं, मुझे पता चले ना भाई, किया करो प्लीज। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए तो जरूरी है सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन दबाना, इसलिए वो दबा दें, आप तक वीडियो खुद ब खुद पहुंच जाएगी। खैर चलता हूँ यार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।